क्या है भाई, आप लोग सुने नहीं सुने कि ऐसे यहाँ पे किराग एक्सपो हो रहा है, आंगन बोल के हो रहा करते, हम भी सुने। तो मैं मेरे मियाँ को ले लेके तो जा रही हूँ, आप लोग भी अपने मियाओं को, सासों को, ससुरों को, सबको ले लेके आओ। बच्चों को भी नको भूलो, बच्चों के लिए भी यहाँ पे खेलने कूदने के जगह हैं कहते। तो आप लोग ऐसे उन लोगों को वहाँ छोड़ के आके अपना खुद का एंजॉय कर सकते हैं आराम से। जरूर कहाँ जा रही हूँ भाई, रॉयल रीजेंसी गार्डन्स को जा रही हूँ मैं 11 जून को, जो आसिफ नगर में है। तो आप, मैं तो रहूँगी, आप लोग भी आ जाओ। खुश आमदीद नासरीन, मैं आपकी मेज़बान नूरिन शेख और आप देख रहे हैं HSN न्यूज़। इरफान टेक्सटाइल्स और यूट्यूब चैनल पर हैदराबाद डायरीज में पत्नी का रोल अदा करने वाली हैदराबादी एक्टर और यूट्यूबर जैनब की जानिब से एक शानदार एक्सपो का इनेखाद अमल में लाया जा रहा है। दी आंगन एक्सपो के नाम से, जो बतारीख 11 जून बरोज़ हफ्ते को रॉयल रेजेंसी गार्डन आसिफ नगर में मुनाकिद होगा, जिसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से 12 बजे तक रहेगी। इस एक्सपो को जैनब खुद ऑर्गेनाइज्ड कर रही हैं और इन्होंने कहा कि इस एक्सपो में 80 से ज़ायद स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें एक ही जगह पर हर किस्म के इक्विपमेंट्स यानी बच्चों, बड़ों, मर्द और ख़वातीन के लिए शॉपिंग का बेहतरीन ज़रिया है और हम अकसाम के फूड कोर्ट भी मौजूद रहेंगे। इस द आंगन एक्सपो को करने का मकसद है कि आवाम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर चंद खूबसूरत लम्हात गुजार सके। आइए इस एक्सपो के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुद जैनब की ज़बानी। पेश है HSN न्यूज़ नेटवर्क से ये खसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा व अहम तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैनब, मैं एक यूट्यूबर हूँ, आप लोग आप पहचानते होंगे मेरे को एज पत्नी फ्रॉम हैदराबाद डायरीज। तो मैं इरफान टेक्सटाइल्स के साथ लेके आ रही हूँ दी आंगन एक्सपो, जो होने वाला है 11 जून को 2 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे रॉयल रीजेंसी गार्डन्स आसिफ नगर में। तो मैं अपना खुद का एक एक्सपो लेके आ रही हूँ विच इज़ कॉल्ड दी आंगन, और वो होने वाला है 11 जून को 2 बजे से 12 बजे तक है यहाँ पे रॉयल रीजेंसी गार्डन्स में। एंड बेसिकली ये आइडिया मेरे को आया क्योंकि हैदराबाद में थोड़े सालों से अपन देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा ब्लॉसम कर रही। तो हर किसी के घर में कोई ना कोई एक छोटा बिजनेस है। तो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी मेरे खुद के घर का। मेरे मम्मी है सो अपना खुद का क्लाउड किचन स्टार्ट करे, जो होम कुक्ड हैदराबादी फूड के लिए है, कॉल्ड कबाब चीनी। और मेरे खाला है सो एक बेकिंग वेंचर शुरू करे उनका खुद का, जो है बेक बाय राज। और रही मेरी बात, मैं खुद मेरी एक बेस्ट फ्रेंड के साथ अपना एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करी, जो है हैदराबादी मर्चेंडाइज का। तो अपने पास पक्के हैदराबादी टी शर्ट्स, हुडीज़, कैप्स, ये सब मिलते। तो बेसिकली ऐसे बिजनेसेस जो सिर्फ ऑनलाइन हैं और उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाह रही थी मैं ऐसे बिजनेसेस को। एंड दैट इज़ व्हाई आई केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दी आंगन। और नाम कैसा पड़ा बोले तो, अपन पुराने ज़माने में जहाँ पे सब अपने आंगन में जमा होकर शाम में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते थे चीज़ा, बस वही कॉन्सेप्ट को वही दिमाग में रखते हुए मैं ये नाम के साथ आई। और वही उम्मीद है कि एकदम होमली एटमोसफियर रहेगा इंशाल्लाह, एंड आप लोग आएंगे तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। स्पेशली जो लोग आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा बोरिंग नहीं होना और थोड़ा इंटरेस्टिंग रहना, इसलिए हम लोग लाइव म्यूज़िक भी रखे हैं। तो पूरे पुराने ज़माने को वापस ला रही हूँ मैं। तो आप लोग अगर एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर आइए 11 जून को 2 बजे से 12 बजे तक रॉयल रीजेंसी गार्डन में। तो हम लोग के पास फूड स्टॉल्स भी है और कपड़ों के, ज्वेलरी के, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए, सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है। और खाने में भी कई ज़्यादा वैरायटी ऑफ खाने हैं, तो हर चीज़ मिल जाएंगी आपको एक ही जगह पे, और वही कॉन्सेप्ट लेके आ रही हूँ मैं। कितने स्टॉल्स हैं टोटली? टोटली अराउंड 80 स्टॉल्स है, 80 प्लस है माशाल्लाह, अभी तक भी है सो लोग इंक्वायर कर रहे हैं, तो और बढ़ भी सकते हैं बट अभी के लिए 80। तो ये स्टॉल्स में सिर्फ तेलंगाना से बिलोंग करने वाले या फिर कहीं अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं? नहीं, हम लोग के पास चंडीगढ़ यहाँ से भी लोग आ रहे हैं, ये सिर्फ हैदराबाद के लिए लिमिटेड नहीं है।
जैसे जैसे लोगों को मालूम होते जा रहा उन लोग ऐसे रीच आउट कर रहे हैं हम लोगों को, एंड ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम है बट लास्ट टाइम ज़रूर नहीं है, और कई आने वाले हैं ऐसे. दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट एडिशन. ये आपका पहला एक्सपो है आंगन का? जी हाँ, ये पहला एक्सपो है और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अदर एक्सपोज एज अ स्टॉल ओनर, या फिर मैं गई जस्ट एज एन ऑडियंस, यू नो, टू बाय एंड टू हैव फन. बट खुद से ऑर्गेनाइज करने का एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है, एंड वो भी बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मैं मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली के साथ मिल के ये एक्सपो कर रही हूँ. आपकी स्पेशलिटी क्या है इस एक्सपो में, क्या स्पेशलिटी रहेगी? तो जब आप जाते यूजुअली एक्सपोज में, तो हर किसी के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते. यूजुअली लाइक वुमेन के लिए ज़्यादा ऑप्शंस रहते, तो हम लोग इंक्लूड करें ऐसे स्टॉल्स जहाँ पे हर कोई आके जहाँ से शॉप कर सके, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो अपने लिए हो, आपके हस्बैंड्स के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो. और स्पेशली आप ये देखते कि यू नो, लाइव म्यूज़िक आपको बहुत एक्सपोज में कभी दिखता नहीं, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट फैक्टर लाने के लिए हम लोग ये भी एक ऐड करें. जी हाँ, ये एक ही दिन का है. इंशाल्लाह आगे जब और हम लोग करेंगे तो दिना बढ़ाते रहेंगे. 11 और 12 का है? जी नहीं, ये सिर्फ 11th के लिए है फिलहाल. 12th को नहीं है कुछ भी, 11th को ही है. जी हाँ, तो हम लोग के पास आ रहे हैं 3 स्पेशल गेस्ट जो हैं. सिद्दीका खाला जो हैदराबाद डायरीज़ में अम्मी का कैरेक्टर प्ले करते, और जो पापा का कैरेक्टर प्ले करते अल्ताफ हैदर अंकल, और आरती सिंह जो छोटी सिस्टर का कैरेक्टर प्ले करते, उन तीनों गेस्ट्स हैं हम लोगों के और उन लोग आएंगे. मैडम, आप आखिर में हम चाहेंगे और